हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशी का व्लॉग्स। तो आपने इस व्लॉग की पार्ट वन देख चुकी है, ये पार्ट टू है। इसमें आपको शिवलिंग की दर्शन करवाऊंगी मैं, जो शिवलिंग खुद से प्रकट हुआ है बोला जाता है यहाँ पर। सो गुप्त गंगा आपने देख लिया, गुप्त गंगा से अभी हम लोग जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए आए हुए हैं। इस मंदिर का नाम है महाकालेश्वर मंदिर। बहुत कम लोग ही जानते हैं इस मंदिर के बारे में, लेकिन बहुत अच्छा मंदिर है। मतलब उतना ठीक से बना नहीं है, बट फिर भी मतलब जगह बहुत ही सुंदर है। अगर आप नेचर लवर हो तो आप जा सकते हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सो व्लॉग में आप भी देखते जाओ, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। पूजा करेंगे, जय जय आज चला जाए। अंदर जाओ, नानू लोग के साथ पूजा करना जाओ। हाँ
भी पूजा कर लिया है, यहाँ राधे कृष्ण की मंदिर थी तो यहाँ पर भी पूजा कर लिया है। और बहुत सुंदर मतलब वेदर है, बहुत सुंदर यहाँ का सीन है। एकदम आ रहा है। कहाँ से तोड़ के ला रहे हो? है क्या मम्मी, क्या है? दिखाइए तो, थोड़ा दिखा तो सकते हैं ना, दिखाइए। नदी किया था। ओहो, जामुन कैसा है? तो दिखा दिखा। जामुन है, रावण है। जामुन तो है, दूसरा गोल है जो जाम, कोई जामुन बोलते हैं। ई बाबा ले की हो गाइस, अभी मैं और खुशबू हम लोग रील्स बना रहे हैं और मम्मी लोग उधर हैं, तो मैं जल्दी से अपना स्टेज पर जाने वाली हूं और इसका वेट करती हूँ मैं। आओ खुशबू। तो हमने रील्स बनाए हैं, बहुत सारे नहीं मतलब लगभग थोड़े थोड़े, क्योंकि मम्मी लोग वेट कर रही है और ऑटो वाले भी वेट कर रहे हैं हमारा। स्लीपर डरावना जगह लग रहा है। डरावना नहीं मतलब सुनसान एरिया है, सो हम लोग सोच रहे कि हम लोग नहीं जाते क्योंकि हम लोग दोनों अकेले हैं। सो नदी वहाँ पर है, मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, उस साइड पे है नदी वहाँ पर, और यहाँ पे तालाब है। सो अभी नहीं दिखाते हम लोग, कॉल आ रहा है। लेकिन नदी, ये नदी नहीं है तालाब, तब बोले हम लोग इतनी हो गई हमारी दर्शन, अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। मायरा बाय करो, बाय करो। सो यस, और कल की प्रिपरेशन चल रही है, यहाँ पर पेंट हो रहा है वहाँ महाकालेश्वर धाम का, और ऑटो पे हम लोग सब बैठ रहे हैं, मम्मी लोग स्कूटी से आई है। चलिए बाय, सी यू। सो हमारा जो दर्शन है वो हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं वापस। और यहाँ पहुँचने के जो रास्ते हैं वो मैंने व्लॉग वन में दिखाया था, गोविंदपुर तक आप जाओगे उसके बाद सीधा रोड लेकर आना है, और मनगोड़ा करके एक जगह का नाम है, तो आपको मेन रोड पर ही एक काली माता का मंदिर दिखेगा। सो वो मंदिर भी मैं आपको इस व्लॉग पर अभी दिखाऊँगी आगे। सो ये जो मंदिर आएगी यहीं से आपको टर्न लेना है जो राइट की ओर गली जाएगी वहाँ। सो फिर आप सीधा जाओगे पूछते हुए, तो आपको महाकालेश्वर धाम मिल जाएगा और बहुत अच्छा है। आप सो आप भी एक बार ज़रूर जाना सावन में, आपका भी मन मतलब खुश हो जाएगा देखकर, बहुत ही सुंदर नज़ारा है वहाँ का, बहुत अच्छा व्यू है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।